मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि कोरोना के बाद जो है ना जिंदगी बदल जाएगी, और आप विश्वास मानिए उसके बाद से ही जिंदगी बदल गई। दुकानदार वही शख्स है जो गंजे को कंघी बेच दे। मैंने ये देखा है लोग दो चार साल, छह महीने या साल काम करके ऊब जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर, मतलब घमंड नहीं कर रहा, लेकिन अंदर अभी तक भूख खत्म ही नहीं हुई हमारे अंदर। नमस्कार, मैं हूँ आशीष राव। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम रिटेल किंग्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। दरअसल जो हमारे रिटेल किंग्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। आंधी हो या तूफान, बारिश हो या तो, वो अपने कार्यस्थल पर पहुंचकर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो सम्मान के पात्र। आज हमारे बीच जो रिटेल किंग मौजूद हैं वो उत्तराखंड के ऋषिकेश से हैं, गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू। अपने हंसमुख स्वभाव से हर ग्राहक का दिल जीतने वाले गुरप्रीत सिंह जी के साथ आज हम बहुत सारी दिलचस्प बातें करेंगे और जानेंगे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। गुरप्रीत जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। गुरप्रीत सिंह सेठी नाम है और फर्म का नाम है सेठी एजेंसी, और मैं करीबन 32 साल से एजेंसी लाइन में हूं सर। तीन कंपनियां तो मेरी करीबन 17 साल पुरानी है। 17 साल, मतलब कंपनी वाले भी चेंज नहीं हुए। 17 साल पहले वाला जो कंपनी का बंदा है वो आज भी कंपनी में जॉब कर रहा है मेरे साथ। हमारे इस टैलेंट हंट का जो पहला राउंड है वो है नो योर ग्राहक, जिसमें हम आपसे जानेंगे कि आप अपने ग्राहकों को कितना जानते हैं और आप उनसे कैसे डील करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक सिचुएशन देने वाले हैं, उस सिचुएशन को आप कैसे डील करते हैं इसमें हम आपको वो चेक करेंगे। रूड बिहेवियर का कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है तो आप उसे कैसे डील करते हैं? जाते सारी पहले तो मजाक शुरू कर देते हैं पार्टी से। वैसा नहीं कि गए सीधा सर ये साबुन ले लीजिए, ये बिस्किट ले लीजिए, ऐसा नहीं है। माहौल बनाते हैं पूरा। हाँ, पहले पूरा माहौल बनाया जाएगा। तो, अरे बाबू जी क्या हाल चाल है, अरे आज थोड़ा मौसम भी ठंडा है, चाय वाय मंगा लो आज। तो अगर उसने उसने थोड़ा मतलब कॉमेडी में या हंसी मजाक में मूड आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पूछते हैं बाबू जी को दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताओ, किसी टाइप की कोई परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर पेमेंट का भी कोई मैटर है तो हम उस समय वो खोलते ही नहीं उनके सामने मैटर, कोई बिल बिल निकालते ही नहीं पार्टी का, आज पेमेंट लेनी नहीं इनसे, आज हमारा ये मूड रहेगा उस दिन। पूरा माहौल बना टाइट कर देते हैं, उसके बाद उनसे लेन देन की बात करते हैं। एक अगली सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। अक्सर देखा जाता है जब महिलाएं किसी शॉप पर पहुंचती हैं तो वो अक्सर कुछ डिमांड करती हैं, अक्सर इतना सामान आप कहाँ से लिया भाई, एक काम करिए ये तो बनता है ये, तो इस तरह के कभी सिचुएशन आती तो आप कैसे डील करते हैं? मेरे पास फ्री की बहुत आइटम रहती है पड़ी हुई सर हर समय। अच्छा, तो मैं वही बांट देता हूँ, नहीं तो मेरे पास क्या नाम है, पानी की, ठंडे पानी की बोतल, ये जो मिल्टन वगैरह की आती है 6 का पैक, क्योंकि डेनिम काम है हमारे पास, तो ये नॉर्मल चीजें हमारे पास आती रहती है। तो हम देखते हैं पार्टी, अगर रेगुलर पार्टी हमारी तो 100 रुपए 200 तक का भी हमारा जो है ना कोई वो नहीं है मोटिव, मतलब हमारा ग्राहक जो है वो खुश रहे। बस बस बस, ग्राहक रहेगा ना सर, मैं कह रहा हूँ 200 के 2000 वसूल लेंगे पार्टी से हम। वाह, तो यही है। हाँ, मोटिव हमारा यही रहता है। बड़ी बात कही आपने और बहुत अच्छे से आपने बताया जो टैकल करने के लिए। एक और सिचुएशन मैं आपको दूंगा जिसमें अक्सर लोग थोड़ा सा मतलब अंदर से भड़क टाइप का जाते हैं लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। मैं सिचुएशन ये है कि किसी कस्टमर के साथ कोई बच्चा आता है और वो आकर कोई आपकी इंपॉर्टेंट कोई मतलब जरूरी चीज कोई चीज रखी है और वो उससे गिर जाती है या टूट जाती है, तो आप इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे? थोड़ा तो नाराज होंगे, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इम्पोर्टेंट है फिर थोड़ा सा नाराज होंगे। नहीं तो हम पहली कोशिश ये करते हैं कि उसको मतलब बिस्किट का पैकेट या चॉकलेट छोटी 5 रुपए वाली ये उनको दे के हम पहले बच्चे को ना बाहर बिठवा देते हैं, स्टूल लगा देते हैं, तू आराम से बैठ बाहर, मतलब प्री प्लानिंग की पहले ही। हाँ, हमारी पूरी प्लानिंग है, हमें पता होता है ये मतलब बच्चा किस टाइप का है, शरारती है क्योंकि रेगुलर आ रहा होगा तो हमें नॉर्मल पता होगा ये शरारती है। एक्चुअली मेरे कजन के हैं 2 बच्चे तो बहुत तेज है, वो आते सार पहले एक सामान छेड़ दूसरा सामान छेड़, तो पहले कहते हैं बच्चों की आदत होती है, कहते हैं ये देख सामान गिरेगा टूटेगा तो उसके भी देने पड़ेंगे पैसे, तो पहले ही आप सेफ साइड ले लेते हैं, तो पहले वो कहता है ये ले बिस्किट पैकेट तू बाहर बैठ जा आराम से। अपना क्लब को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, 10 में से 11 नंबर है। थोड़ा सा अपना क्लब के बारे में बताएं। जब तक अपना क्लब जुड़ा है तो हमें मतलब ये ढूंढने जाने नहीं पड़ता, 85% माल हम अपना क्लब से ही मंगा के देते हैं पार्टी को, और 3 दिन बता देते हैं पार्टी को 3 दिन में माल आ जाएगा, वही माल देंगे जो आपने बोला, आपने अक्षय कुमार मांगा तो अक्षय कुमार ही देंगे आपको। अभी तक हम देख रहे थे कि आप ग्राहकों से कैसे डील करते हैं, उसके आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए। अब हम आपको कुछ अतरंगी प्रोडक्ट्स देंगे, अब हम देखते हैं कि वो आप कैसे बेचते हैं। चलिए ये होल वाली बाल्टी आपको ये बेचकर दिखा दूं, इसके फायदे बताकर आप बेचिए। हाँ, ये तो गमला बन जाएगा सर, ये गमला बना देंगे इसको हम, क्योंकि गमले में छेद होते हैं तो गमले में छेद करने पड़ते हैं पानी की निकासी के लिए, तो पेड़ पौधा अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो इसमें, जबकि गमलों में छेद नहीं होता, छेद करना पड़ता है उसमें, तो ये छेद करा कराया मिल गया उसको,
और सबसे बड़ा बात है कि गमले में हैंडल नहीं होता, इसमें हैंडल भी लगा हुआ है, हैंडल देखिए ना, हैंडल लगा हुआ है पकड़ने वाला, गमला जो है गमले काम आ जाएगा ये आपका, बहुत बढ़िया। फवारा भी बन सकता है नहाने वाला, अगर कोई ऊपर ऊंचा नलका है उसमें आप लगा दीजिए तो ये साइडों से पानी भी आता रहेगा, ये फवारे काम। अगर आपको 400-500 रुपए स्टील का फवारा भी लेना नहीं पड़ेगा इसके लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, टू इन वन काम आ सकता है, पहले नहा लिए फिर उसके बाद गमला बना लिया इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे तीन पैर वाली कुर्सी। सबसे पहले तो सर इसमें एक टांग जुड़वा देंगे हम। नहीं, आपको तीन ही पैर वाली कुर्सी है, इसके इतने ही फायदे बताने, आपको इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। अच्छा, ऐड नहीं करना है इसमें। तो आप कैसे बेचेंगे? मैं लेने आया हूँ, मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत कुर्सी रखी, मैंने आपसे पूछा आपको मुझे बेचनी है, तो कैसे बेचेंगे इसकी? या तो बाकी भी टांगे हम काट देंगे और ये जमीन में बैठने वाला जो एक सोफा टाइप का बना देंगे। तीन टांग में ही कुर्सी बता, आपको खासियतें बतानी है सर, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। तीन टांग वाली में तो क्या बता सकते हैं इसमें, इसमें तो यही हो सकता है कि, चलिए अगर आपको दिक्कत हो रही तो हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं। ये शूज है बिना सोल का शूज है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसके ऊपर हमने ये नीचे चप्पल पहन लेनी है ना, ऊपर से ये पहन लेना है, मतलब ये पहले डाल के थोड़ा ऊपर कर लेंगे फिर नीचे चप्पल पहन के ये चप्पल के ऊपर कर देंगे, तो ये जूते का काम कर गया, जूता बन गया चप्पल के भाव में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने तीनों प्रोडक्ट बेचे और बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया आपने। जब आपने स्टार्टअप सोचा था तो आपको ये नहीं लगा था उस वक्त की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, लोग कह रहे हो कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, इसमें क्यों जा रहे हो, तुम्हें बीटेक करना चाहिए, तुम्हें एमटेक करना चाहिए, तुम्हें ये सारी चीजें करनी चाहिए? बहुत बहुत उस समय तो आप विश्वास मानिए कि मैंने स्कूटर के पीछे मैंने एक्चुअली शुरुआत करी थी ब्रेड से, उसमें मैंने ब्रेड बेची तो शाम को अगले दिन दो दिन बाद मेरे फादर को लोग कहने आए, बाजार से कहने आए लोग कि भाई तुम्हारा लड़का वो स्कूटर के पीछे ब्रेड बांध के बेच रहा है। फादर साहब ने मुझे शाम को बोला कि भाई ऐसे तो लोग बोलने आए थे, मैंने कम से कम चोरी तो नहीं करी, बैंक में डाका तो नहीं डाल रहा ना किसी के। बिल्कुल। तो इस टाइप से स्ट्रगल करा मैंने, और मैंने कभी भी मतलब शर्म नहीं करी काम करने में, मैंने कभी शर्म नहीं करी आज तक, विश्वास मानिए। आज की डेट में मकान भी मेरा अपना है, तीन दुकानें मेरी बाजार के अंदर अपनी हैं, और मैंने बाजार में ऐसी भी पार्टियां जिनसे 10-10 लाख रुपए लेना है आज की डेट। तो मतलब आपने जो 25,000 से जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया वो भी आपने खुद से ड्राइवरी करके आपने निकाले, और उसके बाद वो 25,000 से आपने स्टार्टअप किया और आज आप इस मुकाम पर है। बिल्कुल, सल्यूट है सर आपको। हाँ, मेरी माता जी का बहुत सपोर्ट है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप की दुआओं से ही सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा राउंड आ रहा है काफी इंटरेस्टिंग है, और आपको मैं बता देता हूँ इसमें रूल्स क्या हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ प्रोडक्ट के नाम बताएंगे, जिसमें आपको करना क्या है, आपको उससे रिलेटेड ब्रांड के बारे में बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि DTH, तो आपके दिमाग में जो भी चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी आपको वो बोलनी है। जैसे कि मैंने बोला DTH, तो आप टाटा स्काई या एयरटेल, जो ब्रांड सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होता है आपको उसके बारे में बताना। तो मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ। साइकिल, एटलस। नमकीन, हल्दीराम। ऑयल, फॉर्चून। बिस्किट, बिस्किट पार्ले। मोबाइल, मोबाइल वीवो। शूज, शूज बाटा। कार, मारुति। शैम्पू, शैम्पू वाटिका। शाहरुख खान, पठान। प्रोडक्ट का नाम बताना। कोई नहीं, रहने दो। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी। मंदिर, मन मंदिर अगरबत्ती। दिवाली, ब्रांड हल्दीराम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। ओके, हल्दीराम। मीठा, हल्दीराम। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन बीकाजी। बल्ब और LED, फिलिप्स। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने जवाब दिए। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अपना क्लब और अदर सोर्सेस से अगर आप सामान खरीदते हैं तो आपको क्या लगता है अपना क्लब कितना बेहतर आपको मार्जिन देता है? नहीं, एक्चुअली मैं जो है मार्केट से कोशिश करता हूँ कि परचेज ना करा जाए। ओके, हाँ, मैं या तो अदर सिटी देहरादून या हरिद्वार या रुड़की से परचेज करूंगा या फिर अपना क्लब से परचेज करूंगा। और मेरा पहले जो है ना जो अपना क्लब के लिए है कि पहले मैं भले ही 1 रुपए आइटम महंगी हो, 2 रुपए आइटम महंगी मिले, लेकिन अपना क्लब से ही परचेज करने का मेरा वो रहता है। मतलब प्रेफरेंस आप पहले अपना क्लब को देते हैं? हाँ, अपना क्लब को ही, अपना क्लब। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। राउंड में आगे बढ़ते हैं। अब जो राउंड आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है, ये आपको बहुत सारी पुरानी यादें आपकी ताजा कर देगा। इस राउंड का नाम है बॉटल अप राउंड। हर कंपनी चाहती है कि उसकी प्रोडक्ट की, चाहे वो पैकिंग हो, डिजाइन हो या उसका एडवर्टीजमेंट हो, वो बिल्कुल यूनिक करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम आपको कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट शो करेंगे, आपको उनकी बॉटल्स देखनी है और आपको बताना है कि ये किस प्रोडक्ट की है। जितना सही जवाब देंगे विनर होने के हकदार उतने ही ज्यादा हो जाएंगे आप। ये
कोल्ड हॉट एंड कोल्ड जो आती है ये की मिल्टन वगैरह की, ये वो बॉटल है। माफ कीजिएगा, गलत हो गया आपका जवाब। ये बॉटल है पैराशूट ऑयल की। पैराशूट ऑयल बहुत ही प्रख्यात बॉटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसलीन सही जवाब। हार्पिक ग्रेट विम, विम लिक्विड। पहली बोतल आपने मतलब मैं कुछ और सोच के बैठा था, वो बोतल कुछ पैराशूट के अलग टाइप से आने के कारण मैं समझ नहीं पाया, फिर अगली बार मैंने पकड़ना शुरू कर दिया उसको मामले को। नहीं, इस बोतल को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में था कि आपको थोड़ा सा, लेकिन इसको आपने बहुत ही क्विक बता दिया। ग्रेट, बहुत अच्छा खेला आपने। फैमिली में कौन कौन है आपके? गुरप्रीत जी मदर है, वाइफ है और दो बच्चे और एक मैं। बच्चे कितने बड़े आपके? लड़की बड़ी है, 10th में है वो इस समय, और लड़का छोटा है वो 7th में इस समय। तो लड़का जब आपको देखता है तो लड़का क्या सोचता है? जब ये 6-7 साल का था तो पापा आप ये क्या काम कर रहे हो, ये उसके वर्ल्ड थे। ओके। पापा ये पेटी आप ढो रहे हो, ये इतना माल आप आगे पीछे ले जा रहे हो लोगों। मैं आज भी वन मैन आर्मी हूँ, मैं मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है लड़कों का, कि मैंने 4 लड़के रखे हुए, मैंने 6 लड़के रखे हुए। कई बार मुझे बोल चुका कि फादर आप ये क्या काम कर रहे हैं, मैंने बेटा इसी से ही देखो तुम यहाँ तक पहुंचे हो, और तुम जब तक, हाँ जब तक तुम पढ़ना चाहोगे, जब तक तुम कुछ करना चाहोगे तब तक के लिए, और ये सारा जो बनाया है ये सब यहीं से बनाया। तो हमारे पास आपके आज के स्कोर्स आ गए हैं, लेकिन किस्मत आपकी अभी भी हो सकती है। इन स्कोर्स का वेटेज मात्र 60% है, बाकी के 40% पॉइंट्स आप अभी भी कमा सकते हैं। इस वीडियो पे व्यूज बढ़वा के इस एपिसोड के आने के एक हफ्ते बाद तक आप जितने व्यूज कमेंट्स और लाइक्स इन वीडियोस पे ला पाएंगे उसी प्रोपोर्शन में आपके पॉइंट्स में बढ़ोतरी होगी। तो इंतजार मत करिए, अभी इससे ढूंढ के रख लीजिए वो खास मित्र और परिवारी जन जो आपकी जीत के हिस्सेदार बन सकते हैं। और गुरप्रीत जी बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके और गेम्स खेलकर। आपकी जो कहानी है वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेम्स शोज एक्सपीरियंस के बारे में हम जानते रहेंगे, समय समय पर ऐसे ही शोज लेकर आते रहेंगे। विनर के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, बिल्कुल जैसे ही रिजल्ट आएंगे वो आप सभी को अपना क्लब के माध्यम से पता चल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना क्लब से जुड़े रहिए, YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, Insta के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं।